तो अब भारत ने मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के द्वारा मालदीव पर लिया गया एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारतीय सैनिक को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और उसकी यह अकड़ मालदीव पर ही भारी पड़ रही है। और जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह तुर्की और चीन जैसे देशों से मदद मांगते फिर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी एक बड़े कदम से शुरू की है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर एक टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने समुद्र के किनारों का मनमोहक आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं। और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है, और वह भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिससे मालदीव को काफी बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते से मालदीव जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे, तब तक मालदीव और भारत का रिलेशन काफी अच्छा था और भारत से छुट्टियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में टूरिज्म मालदीव घूमने जाया करते थे और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते टिकी हुई थी। और मालदीव को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हुए हैं, तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही भारत के सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इस सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 ही ऐसे सैनिक हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर भी मालदीव का यही कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है, मालदीव को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए तो मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे, वह सबसे पहले भारत के दौरे पर आते हैं। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी वह भारत का दौरा नहीं करते हैं। और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का अपना विचार बनाया है और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं जिससे वह मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में लगभग 1 लाख से ज्यादा टूरिज्म मालदीव घूमने गए थे और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मालदीव चालबाजी दिखाता है तो भारत चुप नहीं रहने वाला है और अब इसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने में कर रहा है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप पर भारत का ही कब्जा है और इसकी दूरी भारत से काफी ज्यादा नजदीक है, जबकि मालदीव इससे कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित है। यानी सीधे तौर पर कम खर्चे में यहां पर आ जा सकते हैं और इसकी जो सुंदरता है वह मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा है।
यानी जाहिर सी बात है कि अब हम भारतीय घूमने के लिए लक्षद्वीप को ही प्रेफर करने वाले हैं।